नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अब कोरोना का कहर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के गांव तक पहुंच गया है और इसी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। ताजा मामला बरेली के कयारा गांव का है, जहां पर कई लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और वो इलाज के दौरान मरीजों की मौत भी हो रही है। गांव वालों का कहना है कि बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर मरीज दम तोड़ देता है। बीते 10 दिनों में इस गांव ने इन्हीं लक्षणों की वजह से 26 लोगों की जान गंवाई है, लेकिन इसके बाद भी गाँव में स्वास्थ्य का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसके अलावा गाँव में जो एक अस्पताल बनाया भी गया है, वहाँ पर बेड की कमी है और इसी वजह से मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता और वे अपना दम तोड़ देते हैं। तो वहीं मरीजों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि डॉक्टर वहां कोई जांच नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गांव के लोगों के तमाम आरोप को बेबुनियाद बता देते हैं। बता दें कि ये यूपी का पहला गांव नहीं है जहां लोगों के इलाज के नाम पर उनकी मौत हो रही है। अब मंजर ये है कि यूपी के हर गांव में लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं पर डॉक्टरों ने बहानों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है, लेकिन इस लापरवाही की वजह से गांव में कई लोग इस महामारी के आगे घुटने टेक रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जहां पर नदी में ही मृतकों के शवों को बहाया जा रहा है। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है, कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई स्वास्थ्य महकमा मदद को आगे आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।